वाहगुरु 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 जियो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं गुर प्रसाद कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगन नाम विचारो कोई माटी का क्या तुफ है स्वामी मानस की गति जो हमारे विद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो अपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मेरे चूके सब सोग संतापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मेरे चूके सब सोग संतापे वाहिगुरु साहिब जीओ परभाती महला पहला गीत नाद हरख चतुराई रहस्य रंग फुरमाई शिकाई गीत नाद हरख चतुराई रहस्य रंग फुरमाइश काई पैनन खाना चीत न पाई सहज सहज सुख नाम वसाई क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किछ ना सुखावे रहाओ क्या जाना क्या करे करावे नाम बिना तन किछ ना सुखावे रहाओ जोग विनोद स्वाद आनंदा मत सत भाई भगत गोबिंदा कीरत कर्म कार निज संदा अंतर रवतो राज रविंदा प्रियो प्रियो प्रीत प्रेम और धारी दीनानाथ पियो बनवारी अंदर नाम दान व्रतकारी तृप्त त्रंग तत बिचारी अकथो कथो क्या मैं जोर भगत करी कराए मोर अंतर वसै चूके मैं मोर किस सेमी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर दीठा जिन चाखिया
पूरा पद हुए नानक तरप्यो तन सुख हुए गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर डीठा जिन चाखिया पूरा पद हुए नानक तरप्यो तन सुख हुए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी में जुड़ बैठे गुरु सवारे सत्संगियो उत्तम भाग हन सतगुरु जी की हजूरी मानन का समा मिलिया है। वो गुरसिख वड्डे भागां वाले हन जिहड़े निता प्रति अपने पिता गुरदेव गुरु की गोद का आनंद मानते हैं। गुरु नानक देव महाराज जी के उचारण किए हुए पावन बचनों का पाठ आप जी ने सुनिया है। प्रभाती राग में सतगुरु जी के ये पावन बचन धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन पन्ना 1331 के शुभ हन। शब्द के कुल 5 अंक हैं, एक अंक रहाव वाला है। रहाव वाले अंक में शब्द का केंद्री भाव है, बाकी सारा शब्द इस केंद्रीय विचारधारा के आस पास घूमता है। सतगुरु जी ने जो रहाव के पावन बचन सानू दिते हैं सब बचन करते हैं, क्या जाना क्या करै करावै नाम बिना तन किछ ना सुखावै। क्या दा अर्थ है की जाना दा अर्थ है मैं जाना, मैं नहीं जानता। की नहीं जानता? मेरा परमात्मा मेरा प्रभु मेरे लिए की कुछ कर रहा है मैं ये गल नहीं जानता। इसका मतलब यह नहीं भी जानता नहीं, मैं इस लिखे जोखे च ही नहीं पैंदा, इस हिसाब किताब च ही नहीं पैंदा भी परमात्मा की करता है, परमात्मा की मेरे पासों करवा रहा है, क्या करे करावे भी की करता है, की मेरे पासों करवा रहा है। बस मैं तो यही ही जानता हाँ, जो कुछ भी मालक अपने सेवक पासों कराउंदा है वह चंगा ही कराउंदा है, ते जो कुछ अपने सेवक लिए करता है वह चंगा ही करता है। ऐसी आची उच्ची आत्मक अवस्था दियां उडारियां विरले सेवक के हिस्से में ही आउंदियां हन। दुनियादार दी संसार के लोगों की रीत इत्थे ही खड़ी है, ते प्रभु की प्रीत विच रंगे हुए प्रीतम के याद विच जुड़े हुए मनुख की प्रीत इस तो बहुत उची है। एक पासे संसार दियां रीतां हन, एक पासे प्रीतम की प्रीत है। जिहड़ा प्रीतम प्रीत विच रंगिया जावे
वह फिर इस झंझट चों परे हो जाता है। वो तो यह गल कहता है, जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करें करावे स्वामी साहब मसलत परवार। जो तू कर रवे, जो तू करा रवे, वह मैनू परिवार है। जो तुद भावे साई परिकार, मैनू उही चंगा है जो तू करा रहा है, जो तू कर रहा है। इंसान दे मनुख दे अपने करन नाल कुछ भी नहीं होना, ना ही मनुख कुछ कर सकता है। रब नूं शरीक बन जाना, रब नूं उलामे देने, जिंदगी दी जीवन जूंदिया होया परमेश्वर दे हुक्म तो उपर अपने आप नूं कर लेना, हुक्म रजाई चलन दी जाच ना सीखनी, ये आम संसार की रीत है। महाराज कहते मैं ये गल नहीं करता, जड़ा प्रभु का सेवक है, जिस अंदर प्रीत है, वह संसार की रीतों बहुत उच्चा उठ जाता है। कीता करना सर्व रजाई, किस कीचे जे कर सकी है। अपना कीता किछू ना होवे, ज्यों हर भावे त्यों रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे बस, असा जोर नाहीं जे किछ कर हम सके, ज्यों भावे त्यों बख्श। यह सेवक की रीत, सेवक की प्रीत। ना वो इस झंगट च पैंदा, मैं कितना पाठ कर लिया, कितनी बारी मैं जपजी पढ़ ली, ना ही उसकी जिंदगी में गिनती मिनती के चक्कर हन। उसका जीवन तो प्रभु के प्यार में रंगिया होया है। मेरे मालक मैं की करा, मैं गिनतियां क्यों करा, मैं इस हिसाब किताब क्यों पवां। तू जिन्ना कराया मैं उन्ना कर लिया, तू जिन्ना उद्यम दिता उन्नी तेरी सिफ सलाह हुई। जिंदगी दी जो कार तू मैनू हुक्म कीता वो कार हो गई। को हुक्मी बंदा बने तो फिर ये गल हो सकती है। हुक्मी बंदा कदी अपने मालक अगे सवाल नहीं करता, ये क्यों होया, किस तरह होया, ये कदी सवाल नहीं करता। हुक्मी बंदा तो अपने मालक दे अगे सिर नीवा कर दिंदा, झुका दिंदा, हे मालक जो तू कीता है वह चंगा ही कीता है, मेरे भले ले ही कीता है। हुक्मी बंदा जिंदगी की कार, जीवन की मर्यादा, जिंदगी की हर मोड़ उस मालक के हुक्म में चलता है। ना कोई गिनती, ना कोई हिसाब। इस हिसाब में नहीं पैंदा कि मैं 40 दिन गिन के गुरुद्वारे जाना है। इस हिसाब में नहीं पैंदा मैं कोई वर्त रखने हन। इस हिसाब च नहीं पैंदा कि मैं तेरे लिए यह कुछ कर रहा हाँ, तू यह कुछ कर रहा हाँ। यह हिसाब तो उपर उठ जाता है। सतगुरु जी जो बचन साधु समझाते हैं, मेरे मालक क्या जाना, क्या करे करावे, बस इको गल जानता हाँ। मैनू तो इको ही गल पता है, वो केड़ी गल, नाम बिना तन किछ ना सुखावे, सुखावे दा अर्थ चंगा लगना।
बस मैनू तो इन्नी गल पता है वाहिगुरु तेरी बंदगी तो बिना तेरी सिफ सलाह तो बिना मेरे तन नू होर कोई चीज चंगी ही नहीं लगती। बस सेवक का उठना, सेवक का बैठना, सेवक का चलना, सेवक का खाना, सेवक का पहनना, सेवक की जिंदगी की हर कार, जिंदगी का हर संस्कार गुरु की हुक्म अनुसार होता है। उदा खाना, पहनना, सोना, जागना, उदे अंदर प्यार है। प्यार विच रंगी हुई आत्मा, प्रीतम की प्रीत विच बजी हुई आत्मा कभी उस तो जुदा होकर रह नहीं सकती। वो तो पुकार पुकार आवाज मार मार के होका दे दे के गल आखदी है, मिल मेरे प्रीतमा जियो हूं तद बिन खरी निमाणी, मैं नैनी नींद ना आवे जियो भावे अन्न ना पानी। पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाई है। परमेश्वर तो बिना किवें सुख मिल सकता है। बस मैं यही जानता मेरी जिंदगी का हर पल हर सुवास मेरे मालक तेरी याद में बीत जाए, बस यो मैनू पता है। मैनू नहीं पता तू मेरे लिए की करना, मैनू नहीं पता तू मेरे पासों की करवाना, बस इनी गल जरूर पता है कि मैनू तेरा नाम मिठा लगता है। नाम तो बिना मैनू कोई होर चीज चंगी ही नहीं लगती। तेरी बंदगी तो बिना मैनू जिंदगी विच कितों सुख नहीं मिल सकता, यह गल मैनू पता लग गई है, यह गल मेरी समझ विच आ गई है। इस वास्ते मैं हुण तेरे नालों तेरे नाल लेखा जोखा नहीं करता, ना ही मैं गिनती मिनती के चक्कर विच पैना, ना ही मैं कोई हिसाब किताब रखिया। बस मेरा तो सिर तेरे दर ते झुक जांदा है, ते मेरे हाथ तेरे अगे जुड़ जाते हैं। मेरे मालक जो तू कर लवे वह मैनू परवार है, जो करा लवे मैनू परवार है। सेवक की रीत प्रीत यहो जी होंदी है। सतगुरु ने बाकी शब्द विच जो शब्द का पहला अंक है उत्थे संसार की रीत का जिक्र भी किया, इस प्रभु दे सेवक की प्रीत का जिक्र भी किया। सतगुर कह लगे गीत नाद हरख चतुराई रहस रंग फरमाइश काई। गीत नाद अर्थ है आवास, गीतां दी आवाज, गंदे गीतां दी आवाज नाद अर्थ आवाज है। हरख खुशी, चतुराई सियानप, कली कली गल महाराज ने क्या कमाल की लिखी है। सतगुरु महाराज कह लगे मेरे मालक दुनिया गंदे गीतां नाल सांझ पाई रखती है, संसार की रीत गंद सुनना, गंद बोलना, गंद कहना है, पर मेरी जिंदगी इस तो बहुत ऊपर उठ गई है। जिहड़ा सेवक बन जाए, जिस अंदर प्रीतम की प्रीत बन जाए, वह फिर इन्हां गंदे बोलों नूं नहीं बोलता, ना सुनता है। उसकी जिंदगी का हर संस्कार एक मर्यादा विच है। प्रभु प्रीत विच रंगे हुए सेवक दे
जन्म हो जाए, आनंद हो जाए, उसके शुकराने में जिंदगी बीतती है। हुण ढोल ढमाके, हुण बैंड की आवाज, हुण मंच ला के लोगों के सामने नचना, यह सेवक की रीत नहीं है। दुनियादार यह कुछ करते हैं, संसार के लोग इन चीजों में बझे हुए हैं। देखो जरा झात मार के, अज केड़ा ऐसा व्याह है, क्योंकि आनंद कार्ज मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो चो आनंद पैदा ही नहीं होता। केड़ा ऐसा व्याह है जिथे ये गंदे गीत ना चलते होण, जिथे साडियां बच्चियां साडे बच्चे अध नंगे होकर स्टेजा ते ना टपते होण, जिथे शराब के प्याले ना खुलते होण। संसार की खुशी लई, लोगों नूं खुश करन लई जिथे ये कर्म ना हुंदा होवे, केड़ा ऐसा है? महाराज कहिंदे देखो इन्हां दी रीत की है। गंदन वैन रता हितकारी, नक्शा खिंचा महाराज ने। हितकारी दा अर्थ है प्यार करन वाला, हित करन वाला। गंदन वैन रता हितकारी, शब्दे सुरत ना आई। शब्द विच तां कदी सुरत नहीं जुड़ी, ते आ जा नचला स्टेजा ते हुंदा। केड़ा गंदा गीत है जिहड़ा उत्थे नहीं गाया जांदा। अपनियां ही बच्चियां नूं बाप अपनियां अखां दे सामने नचदा होया वेखदा है। यह रीत संसार की है। गंदन वैन रता हितकारी, शब्दे सुरत ना आई। रंग ना राता, रस नहीं बेदया, मनमुख पत गवाई। ये तो रस विच बजा ही नहीं, दुनिया के रसा विच, कसा विच, दुनिया के गीतों विच, दुनिया के गंध विच ऐसा खुब गया है। ये मन की मत पिछे चलन वाले ने अपनी इज्जत गवा ली। लोक भी गया, परलोक भी गया। ना लोक विच सिर्फ, ना परलोक विच। परमेश्वर के रंग विच कदी रंगिया ही नहीं गया। रंग ना राता, रस नहीं बेदया। बेदना होंदा बिन देना। कदी शब्द के रस विच, उसके रंग विच अपने आप नूं बिन्निया ही नहीं। शब्द का तीर हिरदे विच वज्जा ही नहीं। फिर नाच टप्पण ही होवेगा, होर की होवेगा? ते सतगुर कहन लगे, नहीं मेरे मोहन सरबणी ए ना सुनाए। बिलावल राग विच गुरु अर्जन देव महाराज, मेरे प्यारे प्रीतम मैनू इहो जिहियां गंदियां गल्लां ना सुनाई। ये गंदे गीत मेरे कन्ना विच इन्हां दी आवाज ना पवे। क्यों ना पवे? किते ये गंध सुन के मेरी सुरत गंध वाले पासे ना चल पवे। मेरे मोहन सरवनी ये ना सुनाए, मेरे कन्ना विच ये गल ना सुनाई। साकित गीत नाद तुन गावत, बोलत बोल अजाए। ये तो व्यर्थ बोल बोलते ने, इन्हां दी तां कोई कीमत ही नहीं जिहड़े बोल बोलते ने। भावें घर की शराब होवे, भावें गल्लां च टोए होण, इन्हां दी हालत ते होई है। स्टेजा ते चढ़ के ते स्टेजा ते गा के ये साडे सभ्याचार का दिवाला कढ रहे ने, सभ्याचार बना नहीं रहे। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहण लगे, मैं नहीं परवाह करता, मैनू इन्हां लोकां दी कोई परवाह नहीं। मेरी सुरत गीत नाद गीतां दी आवाज नहीं सुनदी। हर इन्हां खुशियां विच कदी अपने गुरु तो बाहर नहीं होंदी। उन्हूं समझ आ गई है कि जेड़ा काम गुरु की रजा विच मर्यादा विच रह के कीता जाए,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਡਾਰ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਲੋ ਜੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨਾ ਖੋਲੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਠਾ ਠਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬਸੰਤਰ ਜਾਰ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹੇ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਡਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹੱਸ ਰੰਗ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਕਾਈ, ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਿਤਨੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ ਮਰਨਾ, ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਸੋ ਕਾਲੇ ਖਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਣ ਖਾਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਇਹ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਚਾਂਦੀ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਇਹ ਕਦੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਹਰ ਰਸ ਭੋਗਣ ਲਈ ਹੋਣ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਮੋਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁੱਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ,
ग्रह सोएन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किछ नाहे विसूरे सो प्रभ चित न आवही विष्टा के कीड़े बिन हर नाम ना शांत हुए चित विद मन तीरे। सेवक का मर्द यह गल कहता है सब कुछ देखता होया भी सब कुछ जगत दियां खेडा खेड़दा होया भी बिन हर नाम ना शांत हुए चित विद मन तीरे किवें धीर जावे किवें हौसला आवे। मैनू नहीं चाहिए मैनू नहीं चंगे लगते ये पहनण खाड़ा दुनिया की कार है। तो महाराज सच्चे पातशाह कहते चीत ना पाई मेरे चित नूं चंगा नहीं लगता। फिर महाराज की चंगा लगता है तो सतगुर कह लगे साच सहज सुख नाम वसाई साच सदा कायम रहने वाला सहज है आत्मक अडोलता जिथे जिंदगी दा कोई फुरना नहीं फुरता ना दुख ना सुख ना खाना ना सोना ना रोना ना हसना ना जीवन ना मौत इनू सहज कहा जाता है। हर चीज तो निर्लेपता जीवन दी हर चीज तो निर्लेपता सहज कहते हैं। तो साहब कह लगे साच सहज सुख नाम वसाई नाम दी राही मेनू सिहारी है सिमरन दी राही बंदगी दी राही परमेश्वर दे सिमरन द्वारा मैनू तां केवल सदा कायम रहने वाले परमेश्वर दी याद और आत्मक अडोलता प्राप्त हो गई है। हुण मैनू इन्हां चीज़ां दा की लैण देण है। सतगुरु महाराज फिर कहन लगे जोग विनोद स्वाद आनंदा